नाथ जी गुरु जी को अलख आदेश, माँ भगवती को अलख आदेश, रांची वाले भैरव बाबा को अलख आदेश, आप सभी को आदेश आदेश। इस वर्ष आज नव वर्ष है, उसके आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। आज से इस वीडियो को देखने के बाद आप अपने घर में वैसे ही पूजा करेंगे जैसा शास्त्र संवत है, जैसा सनातनियों को पूजा करना चाहिए। छोटे छोटे नियम हैं, इनका पालन करते हुए अगर आप पूजा करेंगे तो आपको ज़्यादा लाभ मिलेगा। जो नित्य कर्म है वो करने के बाद जब आप पूजा पर बैठते हैं, जब आप आसन लगाते हैं, सबसे पहले आसन की बात कर लें तो आसन में कभी भी कॉटन का आसन नहीं चलता है, उससे दरिद्री आती है। कूस का आसन विशेष प्रयोजन में नहीं तो उसका प्रयोग नहीं होता है, सिर्फ ऊन के आसन का प्रयोग होता है। कम्बल आप रख सकते हैं, कम्बल कभी अपवित्र नहीं होता है, ठीक है। जो पुरुष बिना शरीर पर कपड़ा लिए, कोई तौलिया लपेट के, कोई लुंगी लपेट के पूजा करते हैं, शरीर के ऊपर वस्त्र, ऊपरी शरीर में वस्त्र होना अनिवार्य है, ठीक है। इतना करके आप पूजा करने के लिए बैठ सकते हैं। जिनके पास जो गायत्री के लिए अधिकृत है वो तांबे के एक लोटे में अलग से जल रखे, ठीक है। सबसे पहला काम होता है पूजा करते समय आसन लगाना, खड़े खड़े पूजा नहीं हो सकता है, ठीक है। जो असमर्थ है उनके लिए बड़े नियमों में ढील दी गई है, लेकिन जो समर्थ है वो आसन लगाए, पद्मासन लगाए, सिद्धासन लगाए, सिद्धासन आसान होता है वो लगाए, और उसके बाद नाड़ी शोधन करें। नाड़ी शोधन क्या होता है, आप सभी ने बाबा रामदेव को देखा होगा, प्राणायाम के नाम पर, प्राणायाम ही है, प्राणायाम में जो सूर्य भेदी और चंद्र भेदी प्राणायाम कराते हैं उसको नाड़ी शोधन बोलते हैं। तो इसको चार चरण में करना चाहिए आपको। पहले, सबसे पहले तो विष्णु मुद्रा में अपने हाथों को रखें। मतलब क्या है कि इंडेक्स फिंगर और मिडिल फिंगर राइट हैंड का मोड़ लें, ठीक है। थंब को राइट नोज पे रखें और जो रिंग फिंगर लिटिल फिंगर है उसको लेफ्ट नोज पे रखें। 10-10 के काउंट पर पहले लेफ्ट से सांस लेंगे, लेफ्ट से छोड़ेंगे, ठीक है। अच्छा, 1:2 का रेशियो में हम नाड़ी शोधन करते हैं। मतलब सांस अगर एक काउंट पे लिया तो 2 काउंट तक सांस छोड़ेंगे, मतलब दुगना सांस छोड़ते हैं। तो पहले लेफ्ट से लेंगे, फिर राइट से लेंगे, फिर लेफ्ट से लेके राइट से छोड़ेंगे, ठीक है। और इसके बीच में 10 काउंट का आप गैप देंगे, मतलब 10 गिनती तक लिया, 10 तक उसको होल्ड किया, 10 तक उसको छोड़ा, ठीक है। और फिर राइट से लेंगे, लेफ्ट से छोड़ेंगे, ठीक है। जो चौथा चरण है उसमें सांस लिया, उसको रोका, फिर छोड़ा सांस, फिर थोड़े देर रुके, फिर राइट से सांस लिया, फिर रोका, फिर लेफ्ट से छोड़ा। तो ऐसे करके प्राणायाम करते हैं। क्यों करते हैं हम लोग नाड़ी शोधन? जो नाड़ी शोधन करते हैं तो सूर्य नाड़ी और चंद्र नाड़ी, मतलब एक से शरीर ठंडा होता है, एक से शरीर गर्म होता है। तो जब आपका शरीर गर्म होता है तो आप काफ़ी उत्तेजित रहते हैं, ठीक है। और जब आपका शरीर ठंडा रहेगा तो आप काफ़ी सुस्त रहेंगे। लेकिन जब आप साधना करने बैठते हैं, जब आप पूजा करने बैठते हैं, तो आपको स्वस्थ रहना चाहिए, ना सुस्त ना उत्तेजित। इसीलिए नाड़ी शोधन करके खुद का बैलेंस बनाया जाता है, ठीक है। इसके बाद हम मानसिक शुद्धिकरण मंत्र से खुद को शुद्ध करते हैं, ठीक है। तो इसका क्या तरीका होता है, पहले लेफ्ट हैंड की हथेली में हम जल ले लेते हैं, ठीक है, और राइट हैंड के इंडेक्स फिंगर और मिडिल फिंगर से उस जल को छूते हैं और मंत्र बोलते हैं, ओम अपवित्रः पवित्रो वा सर्वावस्थां गतो अपवीवा यः स्मरेत पुंडरीकाक्षम सह बाह्या भयंतरः शुचिः। और ये बोल करके ये इस दो उंगली से अपने चारों तरफ और अपने, मतलब जो भी पूजा का आपका इंस्ट्रूमेंट है उस पर और अपने ऊपर जल छिड़क लेते हैं, ठीक है। ये स्नान के बाद भी हमें करना होता है।
उसके बाद आंतरिक शुद्धि हम करते हैं। आंतरिक शुद्धि को आचमन कहते हैं, आचमन भी आपको करना चाहिए। तो आचमनी मिलती है तांबे की, एक छोटा सा ग्लास सा होता है और एक छोटा सा चम्मच जैसा होता है, उससे आचमनी करनी चाहिए। ठीक है, तो लेफ्ट हैंड से थोड़ा सा उससे जल लेकर के राइट हैंड में डालते हैं। देखो, जो अपना हथेली है ना, उसमें पांच तीर्थों का दर्शन माना जाता है। कौन कौन सा? देव तीर्थ, पितृ तीर्थ, ब्रह्म तीर्थ, प्रजापतय तीर्थ और सौम्य तीर्थ का। तो जो अंगूठा है उसका मूल भाग, जो मतलब बीच का स्थान हुआ हथेली का, उसको हम ब्रह्म तीर्थ कहते हैं। कनिष्ठिका का जो मूल भाग है उसको प्रजापति तीर्थ बोलते हैं। जो उंगलियों का जो सामने वाला भाग है उसको देव तीर्थ बोलते हैं। तर्जनी और अंगूठे के बीच में जो है उसको पितृ तीर्थ बोलते हैं, और हाथ के मध्य में सौम्य तीर्थ बोलते हैं। तो जब भी हम आचमनी करेंगे तो फिर हम उसको किससे करेंगे? हम उसको करेंगे ब्रह्म तीर्थ से। ठीक है, आचमनी करने का क्या मंत्र होता है? तो तीन बार आचमनी कहते हैं। पहला बार हाथ में जल लिया और बोलेंगे ओम केशवाय नमः। दूसरा बार जल लिया ओम नारायणाय नमः। तीसरा बार जल लिया ओम माधवाय नमः। उसके बाद ओम ऋषिकेशाय नमः बोल करके मुख को राइट हैंड से पोंछ लेंगे, फिर हाथों को धोएंगे। हाँ, हाथों को धोएंगे मतलब बिल्कुल पानी डाल के नहीं धोएंगे, बस एक चम्मच आचमनी का जल लिया और दोनों हाथों को प्रक्षालन करके बोलेंगे ओम गोविंदाय नमः। तो अब आप पूजा करने के लिए तैयार हो जाते हैं। ठीक है, इसके बाद थोड़ा और जल हाथ में लेंगे और उसको अपने जमीन पर चारों तरफ छिड़केंगे और बोलेंगे ओम रक्ष रक्ष वज्र भूमि स्वाहा। ठीक है, इससे आपका आसन बंधन दिशा बंधन हो जाता है। इतना करने के बाद पूजा का आरंभ हो सकता है। तो कैसे करेंगे पूजा का आरंभ? जैसे प्रणाम करते हैं वैसे दोनों हाथों को जोड़ लेंगे और लेफ्ट कान के बगल में हाथ को रखेंगे और सबसे पहले गुरु को प्रणाम करते हैं। तो लेफ्ट कान की तरफ हाथ को रखे बोलेंगे ओम गुरुभ्यो नमः, ओम परम गुरुभ्यो नमः, ओम परापर गुरुभ्यो नमः, ओम परमेष्ट गुरुभ्यो नमः। मतलब मेरे गुरु को नमस्कार, उनके गुरु को नमस्कार, उनके भी गुरु के को नमस्कार और सभी गुरुओं को नमस्कार। तो गुरु प्रणाम से ही पूजा का शुरुआत करते हैं। देखो, टेक्निकलिटीज में जाएंगे तो बहुत सारे मंत्र हैं, लेकिन मैं सबसे सिंपल विधान आप लोगों को बता रहा हूँ। फिर प्रणाम करते हुए लेफ्ट कान की तरफ लेके जाएंगे और जिनसे यज्ञ की शुरुआत होती है ओम श्री गणेशाय नमः। फिर जमीन को प्रणाम करेंगे और बोलेंगे ओम श्री कुर्माय नमः। क्यों बोलते हैं? क्योंकि ऐसा हमारा मानना है कि कुर्म मतलब एक कछुए के ऊपर पूरा पृथ्वी स्थापित है। ठीक है, उसके बाद आकाश की तरफ देखेंगे और बोलेंगे ओम श्री अनंताय नमः, मतलब अनंत को नमस्कार है। इसके बाद जो पंच देवता हैं उनमें से किसी एक की पूजा आप करते होंगे तो सामने की तरफ देख करके उनको प्रणाम करेंगे। अब पंच देवता में कौन कौन आते हैं? सूर्य नारायण आते हैं जो कि एकमात्र प्रत्यक्ष देवता है, जो हमेशा प्रत्यक्ष रहते हैं, इसीलिए उनको सूर्य नारायण बोलते हैं, चंद्र नारायण नहीं बोलते, सूर्य नारायण बोलते हैं। नारायण मतलब भगवान। उसके बाद गणपति गणेश, फिर महादेव, फिर नारायण मतलब विष्णु, और फिर आदिशक्ति दुर्गा। तो आप अगर सूर्य भगवान को मानते हैं तो ओम सूर्याय नमः, ओम श्री गणेशाय नमः। अगर महादेव को मानते हैं तो ओम सांब सदा शिवाय नमः, क्योंकि भगवती अम्बा के साथ ही शिव की पूजा होती है। ओम नारायणाय नमः, ओम दुर्गाय नमः। जो भी पांचों देवी में मतलब पांचों पंच देवता में या फिर उनके किसी भी रूप की आप पूजा करते हैं तो वो कर सकते हैं। इसके बाद जो गायत्री मंत्र के लिए अधिकृत है, ठीक है, वो पूजा का शुरुआत करेंगे। सबसे पहले तो दीपक जलाएंगे, ये तो आम बात है कि दीपक जलाएंगे। दीपक जलाने का मंत्र मैंने आप लोगों को बता रखा है। नवेद देंगे, धूप देंगे, ठीक है, इतना ही रोज एक आम गृहस्थ दे सकता है। मंदिर की व्यवस्था बहुत लंबी चौड़ी होती है, लेकिन धूप दीप नवेद दिन में एक बार
और संध्या के समय में धूप दीप इतना देना एक गृहस्थ को अनिवार्य होता है। अगर मूर्ति रखा है घर में तो उसको भी आप लोग पोछ लेंगे। उसके बाद जो गायत्री के लिए अधिकृत हैं वो 24 बार गायत्री पढ़ें या 108 बार गायत्री पढ़ें, ठीक है। और उसके बाद जो भी आप देवता की पूजा करते हैं उनका मंत्र का जाप करें। इतना करने के बाद आरती कर ले, शंखनाद करें, घड़ियाल बजाए, घंट बजाए, जो बजाते हैं, और जो जल है उसको वहां से उठा के नीचे रख दें, मतलब पूजा के स्थान से उठा के नीचे रख लें, जो कॉपर वेसल में जो गायत्री मंत्र करते हैं उनके लिए है। फिर जो आचमनी में जल रखा है उससे 3 बार निकाल के जल घुमाएंगे और क्षमा प्रार्थना करेंगे। तो भगवती से ही क्षमा प्रार्थना जल हम करते हैं, पूरा क्षमा प्रार्थना ना करते हुए, आवाहनम न जानामि, ना जानामि विसर्जनम, पूजाम चैव न जानामि, क्षम्यताम परमेश्वरी, मंत्रहीनम क्रियाहीनम भक्तिहीनम सुरेश्वरी, यत पूज्यते मया देवी परिपूर्ण तदस्तु मे, ठीक है। मतलब आवाहन भी नहीं जानते हैं, विसर्जन भी नहीं जानते हैं, मंत्र भी नहीं जानते हैं, फिर भी आपकी पूजा कर रहे हैं, ठीक है। गुह्या गुह्या गोपत्रितम गृहणम स्मम कृतम जपम सिद्धिर भवतु मे देवी तत्प्रसादे महेश्वरी। तो जाप भी मैंने आपका किया है, आपको आपके वाम भाग में मैं इसको अर्पण करता हूँ, आप इसको स्वीकार करो और मुझे इसका फल दे दो। ये मैंने आप लोगों को बताया था, क्योंकि कलयुग में बहुत सारे मंत्र किल्लित हैं, इसीलिए जो भी मंत्र आप जाप करते हैं उसको पहले देवी देवता को अर्पण करके फिर वापस लेना चाहिए, तो उसका फल भोग होता है, ठीक है। इसी में जैसे महादेव की पूजा कर रहे हैं तो देवी के जगह देव, महेश्वरी के जगह महेश्वर, है ना, इसी तरीके से हम लोग पूजा को संपन्न करेंगे, आरती करेंगे। आरती का तो मंत्र सबको पता है, अगर पूरा मंत्र आरती नहीं गाते हैं तो कर्पूर गौरंग करुणावतारम संसार सारम भुजगेंद्रहारम सदा वसंतम हृदय अरविंदे भवम भवानी सहितम नामामि, इतना बोल करके भवम भवानी सहितम नामामि, भवम भवानी सहितम नामामि, अंत में महादेव का उद्घोष करना चाहिए, ओम नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। फिर जो जल है गायत्री मंत्र अगर कर रहे हैं तो वो जा करके ओम सूर्याय नमः, ओम आदित्याय नमः, ऐसा कुछ भी जिस मंत्र से आप सूर्य भगवान की पूजा कर रहे हैं उसको अर्पण करके जो जल बचता है पात्र में उससे खुद को तिलक करना चाहिए, ठीक है। तो ये पूजा पूर्ण हुआ एक दिन का आप लोगों का, इस पूरे विधान में जाप लेकर के आप लोगों को 10 मिनट लगेगा, और ये पूर्ण पूजा का विधान है एक गृहस्थ के लिए। इससे ज्यादा करने की जरूरत नहीं है, इससे कम करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। आज के लिए इतना ही। जिन्हें बेसिक साधना सीखनी है वो मेरे पेड व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ सकते हैं, नंबर है 9431188585। इसमें जो भी साधना का शुरुआती विधान है वो आपको हम बताते हैं, मंत्र यंत्र तंत्र परतंत्र सब सिखाते हैं। जिनको मेरे बारे में जानकारी चाहिए, जो मेरे लेख पढ़ना चाहते हैं, वो www.gurutantrahasya.com पर जा सकते हैं। डायरेक्ट बात करने के लिए कॉल मी फॉर ऐप डाउनलोड कीजिए, उसमें रुद्रनाथ@cm4 आप सर्च करेंगे तो आपको मेरा प्रोफाइल मिलेगा, आप उस पर मुझसे डायरेक्ट बात कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही। महाभैरव आप सभी पे कृपा बरसाएं, आप सभी का नववर्ष मंगलमय हो, ऐसी उनसे मेरी प्रार्थना है। आप सभी को आदेश आदेश अलख आदेश।